हेलो स्टूडेंट तो आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जावा इसके पहले भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड की है जिसमें हमने सी सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पाइथन डी बी एम एस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो यदि और कोई भी आप सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लेन द नीड ऑफ़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या और पूछ सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा या डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है यूनिट वन में से उसके अलावा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओफ्स जो कि ऊप् के कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम यूनिट वन में पढ़ते हैं क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म डायनेमिक बाइंडिंग इनकेप्सुलेशन मैसेज पासिंग ये सब कॉन्सेप्ट आपको लिखकर और अच्छे से समझाना है क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जावा बाइट कोड या फिर ऐसे पूछ सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर फाइव में है वॉट फीचर ऑफ जावा मेक्स इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ठीक है तो बाइट कोड का क्या महत्व तो है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है बाइट कोट के कारण ही हमारा जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जे वी एम आ, के लिए जनरेट होता है बाइट कोड तो ये आपको इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन जे डी के जे आर ई एंड जे वी एम तो डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए जे डी के जे आर ई और जे वी एम को क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है वॉट आर द प्रिमटिव डेटा टाइप्स इन जेवा राइट अबाउट टाइप कन्वर्जन ठीक है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो यूनिट वन से हमारे पास पुट अप किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में आ, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज एग्ज़ाम हैं बेसिकली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट क्वेश्चन है यूजी के लिए इसके अलावा अगर आप एमसीए वगैरह कर रहे हैं या एमटेक टेक में जावा पढ़ रहे हैं तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्वलेट वग़ैरह हम पढ़ते हैं जे पढ़ते हैं उस पर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये जो जावा के बिगनर्स हैं खास तौर पर बी वाले बच्चे और बी वाले बच्चे और एम वाले बच्चे फोर्थ यूनिट तक यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आपके लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास वॉट इज जावा टोकन क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग इन जावा दोनों एक साथ पूछ सकते हैं या अलग अलग भी पूछ सकते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट इज कंस्ट्रक्टर वॉट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल फंक्शन ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या जावा uh, में फंक्शन को मैथड बताते हैं तो मेथड ओवरलोडिंग भी पूछ सकते हैं और कंस्ट्रक्टर uh, uh, पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है तो कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के टाइप्स जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यहाँ पे पूछा गया है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर के टाइप हैं विथ पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर हम पढ़ते हैं या कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं ठीक है तो ये वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ टू क्रिएट एन यूज़ ऑफ पैकेज इन जावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैकेज पे से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो पैकेज करके जाना है कैसे बनाते हैं क्या एडवांटेज हैं क्यों बनाते हैं सब पढ़ के जाइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट आर द बेनिफिट ऑफ इन्हेरिटेंस एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ इन्हीटेंस भाई उस पर, पर तो इन्हेरिटेंस पे एक क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही तो इन्हीटेंस क्या होता है डिफरेंट टाइप के इन्हेरिटेंस कौन से हैं एग्जाम्पल सही सिंटेक्स सहित आपको यहाँ पर बताना है चाहे सी हो पायथन हो या फिर जावा हो इनहेरिटेंस का क्वेश्चन तो आना ही आना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा इसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन थ्रेड प्रायोरिटी यूसेज तो थ्रेड पर एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग या फिर थ्रेड लाइफ साइकिल है ना आ, तो थ्रेड पर एक प्रोग्राम जरूर बना के आप देख लीजिए वो भी लिखने के लिए जैसा कि राइट अ प्रोग्राम टू तो एक्सप्लेन थ्रेड प्रायोरिटी यूसेज इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग इन जावा ठीक है तो थ्रेड पर एक क्वेश्चन आना ही आना है फिर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को लाइक कर दिया है कि नहीं भूल गए होंगे शायद तो लाइक जरूर कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं राइट अ प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ मल्टीपल कैच ब्लॉक इन जावा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सी ए टी सी एच है ना कैच ब्लॉक जो अपन पढ़ते हैं ना वो यहाँ पर पूछते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में तो मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे आप यूज़ करते हैं प्रोग्राम बना के आपको यहाँ पर समझाना है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वॉट इज रेपर क्लास इन जावा एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से करके जाना है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ पे थ्रो और थ्रोस की वर्ड में अंतर भी पूछ सकते हैं या एक्सप्लेन कीजिए इस तरीके से पूछ सकते हैं इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया एम सी ए में सर्विलेट पढ़ रहे हैं या जे डी बी सी पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है सर्वेलेट की लाइफ साइकिल आ सकती है तो ये बेसिक क्वेश्चन है बिगनर्स के जावा के यू जी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी जी के लिए भी हैं लेकिन पीजी में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में और भी टॉपिक ऐड हो जाते हैं तो ये सभी कॉलेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो और मिस कर रहे हैं हमारी प्ले में तो हम जरूर से उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो लेकर आएंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन अकेडमी